ऐश्वर्या राय बच्चन की मच अवेटेड मूवी पोनियिन सेल्वन रिलीज से पहले ही विवादों में फंसती नजर आ रही है। 10वीं शताब्दी के दौरान चोल साम्राज्य के संघर्ष की कहानी सुनाती इस फिल्म की रिलीज से पहले ही बवाल हो गया है। जी हाँ, इस फिल्म पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। फिल्म में एक ऐसी गलती पकड़ी गई जिसके बाद कोर्ट की तरफ से मेकर्स को नोटिस तक भेज दिया गया है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज मी प्रेरणा कौशिक एंड यू आर वाचिंग नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। मणि रत्नम के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अनाउंसमेंट के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म के मेकर्स पर आरोप है कि कहानी को गलत ढंग से प्रेजेंट किया गया है और जिस तरीके से चोल साम्राज्य और उसके सत्ता संघर्ष को दिखाया गया है वो ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। तो आखिर नोटिस क्यों भेजा गया? तो आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर मणि रत्नम और एक्टर विक्रम को नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें, पिछले दिनों ही फिल्म का टीजर भी सामने आया था जिसके बाद से लगातार ऐश्वर्या राय लाइमलाइट में आ गई। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। फिल्म में विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन और त्रिशा लीड रोल में है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन की इस फिल्म पर आखिर कौन से आरोप लगाए गए हैं। तो आपको बता दें, ऐसा बोला जा रहा है कि फिल्म पर आरोप है कि ये 1500 सालों तक भारत पर राज करने वाले चोल साम्राज्य की कहानी को ये फिल्म गलत ढंग से प्रेजेंट करती है। वकील ने फिल्म की रिलीज से पहले ही इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की मांग की है। वकील सेल्वम का कहना है कि इसमें चोल साम्राज्य को गलत ढंग से प्रेजेंट किया गया है। स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए इस बात की तसल्ली की जाएगी कि ऐतिहासिक तथ्यों को सही तरीके से पेश किया गया है या फिर नहीं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। टिल देन, दिस इज बी प्रेरणा कौशिक साइनिंग ऑफ।